गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो चैट बॉक्स में यस लिख दो। बस छोटा सा काम करना है, चैट बॉक्स में यस लिखना है, फिर रिलैक्स हो जाना है। बाकी का जो भी काम है वो मैं कर लूंगा। अभिलाषा वर्मा, थैंक यू अभिलाषा। अमित गोस्वामी, राधा शर्मा स्मार्ट, थैंक यू ऑल। पल्लवी, थैंक यू एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज का जो दिन है वो आप जानते हो कि संडे है, ये आपको मालूम है कि आज संडे है। और संडे के दिन जो है न्यूज़पेपर में न्यूज़ कम आती है, स्पेसिफिकली ओपिनियन पेज तो नहीं आता, ये सभी आप जानते हो। ठीक है, सूरज प्रकाश जी, जी हाँ, थैंक यू सूरज प्रकाश जी। और स्केच पर स्पीच, राजेश जी जो जौनपुर से है, थैंक यू। मोहंती जी, गुड इवनिंग। चलिए तो आज का जो ये लेक्चर है हमारा उसको शुरू करते हैं, उसको जो है बिल्कुल से भगाते हैं। तो जैसा कि मैं आप सभी को कह रहा था कि आज संडे है और संडे न्यूज कम आती है, तो लेक्चर जो होगा वो एकदम से छोटा होगा। जी मनजोत सिंह जी, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं, आप आ चुके हैं अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है स्पेसिफिकली फॉर द यूपीएससी। यहां पर आपको चार बेनिफिट मिल जाएंगे, डेली लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा, यानी कि घर के कंफर्ट से सारे के सारे लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो आप देख पाएंगे। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करो। ये मैं हूं अमित कटारिया, जी हाँ अमित कटारिया, और रोज शाम को 7 बजे जो है करंट अफेयर की क्लास हमारी होती है। और ये बात भी मैं बता दूं कि अमित कटारिया साहब जो है वो मैं कुछ ही वक्त में पॉलिटी आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही ज्यादा डिटेल में माइन्यूट लेवल पर जो है हम पॉलिटी यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी करेंगे। अगर आप सबको ये बात अच्छी लगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी कुछ ही वक्त में हम करेंगे, मैं शुरू करवाऊंगा पॉलिटी, और रोज शाम को 7 बजे करंट अफेयर्स तो जारी ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसका टाइम मैं आपको जल्दी से बता दूंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली सुबह के 11 बजे जो है इसका टाइम होगा, सुबह 11 बजे पॉलिटी में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलो unacademy_amitkataria पर जो है वो आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और इस लेक्चर की PDF यहाँ पर मिल जाएगी। मेरे जो भी स्पेशल क्लासेस होंगे अनअकैडमी ऐप पर उसका शेड्यूल भी यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है, भूलना नहीं है। और ये मेरा प्रोफाइल लिंक है, इस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फिर आपको सारी की सारी अपडेट मिलती रहेगी। चलिए, 1 महीने से लेकर पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन जो है आप ले सकते हैं। साल भर का सब्सक्रिप्शन अफोर्डेबल है, सस्ता है। सब्सक्रिप्शन जो है उसकी प्राइस जो है एक साल का 44,000 है, उस पर अमित के कोड का इस्तेमाल करने से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे उसके ऊपर भी अमित के कोड का इस्तेमाल करने से 10% का सब्सक्रिप्शन 10% का डिस्काउंट जरूर से मिल जाएगा। आइकॉनिक कोर्स भी जो है आप खरीद पा सकते हो, आइकॉनिक कोर्स पर भी 10% का डिस्काउंट मिल सकता है अमित के कोड का इस्तेमाल करने से। हमारा आज का पहला टॉपिक
फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कोरोना वायरस। जी हाँ, कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है उसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा आज का टॉपिक जो है वो सेंटर है। देखो, वैक्सीन ट्रायल फेजेस जो है, मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता है तो, कोई भी वैक्सीन जो है वो मार्केट में ऐसे ही नहीं आ सकती, पहले उसका ट्रायल करवाना पड़ता है। और वैक्सीन का जो ट्रायल होता है वो 4 फेजेस में होता है। प्लीज फोकस। जी हाँ, 4 फेजेस में वैक्सीन का ट्रायल आमतौर पर होता है। फेज 1, 2, 3 एंड 4, ये ध्यान में रखना। लेकिन हम अभी जो है एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, महामारी से हम अभी गुजर रहे हैं, पेंडेमिक से गुजर रहे हैं हम लोग। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, कि जिस तरह से वैक्सीन के ट्रायल आज तक होते आए हैं, उस तरीके से अगर COVID-19 का वैक्सीन बनाएंगे तो वैक्सीन बनने में बहुत वक्त लग जाएगा, बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। स्पेसिफिकली उसका ट्रायल करने में सालों लग जाएंगे। इसीलिए ये जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन का ट्रायल 4 फेजेस में होता है। फेज 1, 2, 3, 4, मेनली 3 फेजेस में होता है, लेकिन 4 फेजेस में जो वैक्सीन का ट्रायल होता है उसको हम जो है जल्दी से करना पड़ेगा अभी। इसीलिए यहां पर आप देख रहे हैं कि जो हेडिंग लिखा हुआ है वो है एक्सपर्ट्स डिस्कस कंबाइनिंग वैक्सीन ट्रायल फेजेस टू स्पीड अप रोल आउट इन इंडिया। जी हाँ, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 का जो ट्रायल है उसे क्यों ना कंबाइन कर दिया जाए, अलग अलग करने के बजाय उसको कंबाइन कर दिया जाए, ताकि वैक्सीन जो है उसको जल्दी से मार्केट में लाया जा सके और COVID-19 पेंडेमिक पर कंट्रोल पाया जा सके। तो ये बात आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होगा अगर सारे के सारे जो वैक्सीन ट्रायल के फेजेस है उनको कंबाइन कर दिया जाए तो क्या हो सकता है, ऐसा किसने कहा कंबाइन करने को, ये सारी बातें इस पूरे पॉइंट में हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर ये बात ध्यान रखना, ठीक है? चलो डिस्कस करते हैं। तो एक्सपर्ट हैव प्रपोज्ड प्लान टू एक्सेलरेट रोल आउट पोटेंशियल COVID-19 वैक्सीन इंडिया। ठीक है, और कैसे रोल आउट करेंगे, जल्दी से, तो कंबाइनिंग मल्टीपल फेजेस ऑफ द वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये कहा है, और यहां पर ये ध्यान में रखना, ये किसने कहा है, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जी हाँ, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में जो कमेंट्री पब्लिश हुआ है उसमें ये कहा गया कि ये अलग अलग फेजेस में ट्रायल वैक्सीन का हो रहा है, उससे ज्यादा बेटर है कि कुछ फेजेस को कंबाइन कर दिया जाए ताकि वैक्सीन का ट्रायल जल्दी हो जाए और वैक्सीन मार्केट में जल्दी आ जाए, COVID-19 पेंडेमिक को जल्दी से हम कंट्रोल कर पाए। अब इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में ये पब्लिश हुआ। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ पीयर रिव्यूड है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। किसके द्वारा पीयर रिव्यूड है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा। और यहां पर ये भी ध्यान में रखना, मैंने अभी बताया आपको, टिपिकल वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व 4 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स। मैं सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ट्रायल की बात कर रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना। एनिमल पर ट्रायल तो अलग बात, वो पहले किया जाता है, बाद में जो है, बाद में ह्यूमन ट्रायल होता है और वो 4 फेजेस में जो है कंडक्ट होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड बाद में जब वैक्सीन मार्केट में आ जाती है और बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट हो जाता है, तब पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस होता है, उसको फेज 4 कहेंगे, पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस। ठीक है, अ प्रोसेस दैट कैन टेक सेवरल ईयर्स, ये ध्यान में रखना। अब जब हम फेज 1 और फेज 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले फेज 1 और फेज 2 की बात करते हैं। द फर्स्ट 2 फेजेस इन्वॉल्व्स अ टेस्टिंग वैक्सीन इन 10s and 100s ऑफ हेल्थी वॉलंटियर्स। ये ध्यान में रखना कि जो फेज 1 होता है ना, फेज 1 वो बहुत ही लिमिटेड पॉपुलेशन को दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड पॉपुलेशन को फेज 1 ट्रायल में वैक्सीन जिसका आपको परीक्षण करना है उसको दिया जाता है, तकरीबन 30 लोगों को समझ लो, और वो सारे के सारे हेल्दी वॉलंटियर्स हो गए, हेल्दी वॉलंटियर्स हो गए। और फेज 1 और 2 में मेजरली जो चेक किया जाता है वो क्या है, सेफ्टी
एंड एफिकसी, जी हाँ ये ध्यान में रखना। फेज वन में तकरीबन 30 लोगों को वैक्सीन दिया जाता है, फेज टू में जो है बाद में हंड्रेड्स ऑफ हेल्दी, कुछ 100 लोगों को फेज टू में जो है वो हेल्दी वॉलंटियर को वैक्सीन दिया जाता है। और फेज वन और टू में कंबाइनली हमें क्या चेक करना होता है, सेफ्टी, मतलब क्या वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है ना, एफिकसी, क्या वैक्सीन सही में वर्क कर रहा है, और अगर वर्क कर रहा है तो उसके वर्किंग के लिए कितने डोजेस देने होंगे। जी हाँ, क्या एक ही बार वैक्सीन इंजेक्ट करने से वैक्सीन वर्क करने लगता है कि 2 या 3 डोज देने पड़ेंगे। तो ये सभी चीजें फेज वन और फेज टू में जो है वो चेक होती है। फेज वन में बहुत ही कम लोगों को वैक्सीन दिया जाता है, फेज टू में कुछ 100 लोगों को, हंड्रेड्स ऑफ हेल्दी वॉलंटियर्स को दिया जाता है। यहाँ पर सेफ्टी और एफिकेसी चेक करनी होती है, और नंबर ऑफ डोजेस कितने रिक्वायर्ड है, कुछ साइड इफेक्ट है कि नहीं, ये सारी बातें चेक करनी होती है, ध्यान में रखना, भूलना नहीं है, ठीक है, भूलना अलाउड नहीं। चलो फिर फेज वन और टू खत्म हो गया, फेज वन और टू खत्म हो गया, फिर रिजल्ट जो आएगा उसको इवेल्यूट किया जाएगा, किसके द्वारा, ड्रग रेगुलेटर के द्वारा, और उसको ड्रग रेगुलेटर को अच्छा लगेगा कि नहीं, रिजल्ट सही है, फिर जो है वैक्सीन को अलाउ किया जाता है फेज थ्री ट्रायल के लिए। जी हाँ, ये ध्यान में रखना। और फेज थ्री ट्रायल जो है वो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स के ऊपर किया जाता है, मल्टीपल हॉस्पिटल्स में पूरे कंट्री में। अब फेज थ्री जो ट्रायल है उसका कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, फेज थ्री ट्रायल का, ये ध्यान में रखना, पूरे अच्छी तरीके से समझना, वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे ये बिल्कुल माइंड में फिट होना चाहिए, ठीक है। देखो फेज वन ट्रायल मैंने बताया, बहुत ही कुछ 2 डजन पर्सन में, हेल्दी वॉलंटियर में ये हो जाएगा, फेज टू ट्रायल कुछ 100 में हो जाएगा, ठीक है, और फिर फेज थ्री ट्रायल जो है अक्रॉस द कंट्री करेंगे, अक्रॉस द कंट्री, और ये ह्यूमन ट्रायल की बात हो रही है, ठीक है, भूलना मत, ह्यूमन ट्रायल की बात हो रही है, अक्रॉस द कंट्री की बात हो रही है, ओके। और फेज थ्री में जो है वो क्या होगा, मैं आपको बताता हूं फेज थ्री में क्या होगा। फेज थ्री में थाउजेंड्स ऑफ लोगों को, जी हाँ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल बी गिवन द शॉट ऑफ द वैक्सीन, फेज थ्री में बहुत सारे लोगों को दिया जाएगा, और इन लोगों को 2 ग्रुप में जो है बांटा जाएगा, 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, ये देखना है। जो पहला ग्रुप है उसको वैक्सीन दी जाएगी, दूसरा ग्रुप है उसको प्लेसिबो वैक्सीन दी जाएगी, प्लेसिबो, एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, मैं बताता हूं वो क्या है, ठीक है। तो फेज थ्री की बात कर रही है, फेज थ्री में जो सही वाली वैक्सीन है, मान लो कि 500 लोगों को सही वाली वैक्सीन दी गई, जिसका फेज वन और फेज टू हो चुका है, वो फेज थ्री में वैक्सीन नहीं दी जाती, कोई वैक्सीन, सादा मान लो कि पानी दे दिया जाता है, H2O इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब किसको सही वाला वैक्सीन दिया है और किसको सिर्फ पानी दिया है, ये जो है डॉक्टर को भी नहीं बताया जाता और पेशेंट को भी नहीं बताया जाता, रैंडमली दिया जाता है, बाद में जो है वो रिजल्ट आते हैं कि कितने हेल्दी इंडिविजुअल को, जिनको सही वाला वैक्सीन दिया गया था उनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ, और जिनको सिर्फ पानी दिया गया था, नॉर्मल तौर पर सेलाइन वाटर दिया जाता है, सेलाइन वाटर दिया गया था, उन पर क्या इफेक्ट आया। देखो ऐसा भी हो सकता है, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, जब मैं आपको कोई दवाई देता हूं तब आप मन से मान लेते हो कि हाँ मैंने दवाई ले ली है मैं ठीक हो जाऊंगा, तो रियल में वो दवाई का असर है या सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये देखने के लिए इसको डिवाइड किया जाता है, ये ध्यान में रखना। फेज वन टू और थ्री ट्रायल होने के बाद जो वैक्सीन सही में अच्छी पुरवार होती है, वो वर्केबल होती है, उसको जो है वाइडली मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसका लाइसेंस दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और बाद में जो है मार्केटिंग कंपनीज जो है वो सर्विलेंस करेगी कि कहीं जब लाखों लोगों में वैक्सीन फैल चुकी है तब उसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है ना, उसका बाद में सर्विलेंस होता है, ये ध्यान में रखना। पर द पेंडेमिक नेचर ऑफ द COVID-19 हैज मेंट दैट सेवरल वैक्सीन आर इन अर्ली स्टेज ऑफ टेस्ट एंड ट्रायल्स विथ अबाउट 9 इन फेज 3 ट्रायल।
हाल में 9 वैक्सीन ऐसी है, 9 वैक्सीन ऐसी है, 9 जो फेज 3 ह्यूमन ट्रायल में है। और उसमें से अभी हम एक वैक्सीन की बात करेंगे, अभी हम एक वैक्सीन, 9 ऐसी वैक्सीन है जो फेज 3 ट्रायल में है, लेकिन उसमें से अभी एक की बात करते हैं। ये वैक्सीन जो है सीरम इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चरिंग करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट भारत का है, जी हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट। और वो जो वैक्सीन टेस्ट कर रहा है फेज 3 में, वो यूके बेस्ड एस्ट्राजेंका वैक्सीन है, यूके बेस्ड एस्ट्राजेंका। उसका फेज 3 ट्रायल शुरू हो चुका था, यूके में शुरू हो चुका था उसका फेज 3 ट्रायल। सीरम इंस्टीट्यूट जिनको मैन्युफैक्चर करने वाला एक इंडियन कंपनी है, वो यूके बेस्ड एस्ट्राजेंका को टेस्ट कर रहा था, लेकिन फेज 3 ट्रायल जो कि यूएस यूके में हो रहा था, वहां पर कुछ एडवर्स इवेंट जो है वो शो हुई, साइड इफेक्ट, स्पेसिफिकली स्पाइनल इन्फ्लेमेशन जिनको वैक्सीन दी गई थी उनमें देखा गया, इसीलिए अभी उसको होल्ड पर रख दिया गया है। 2 वैक्सीन और भी है, भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला, वो फेज 2 ट्रायल में है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं। फेज 3 और फेज 4 जो है उसको कंबाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है, ये भी ध्यान में रखना, भूलना नहीं। देखो बहुत जल्दबाजी हो रही है पूरी दुनिया में, बहुत ज्यादा जल्दबाजी कि जल्दी से वैक्सीन लाओ, जल्दी से वैक्सीन लाओ। ट्रंप जो है वो प्रेशर दे रहे हैं अमेरिका में वैक्सीन जल्दी बनाने पर। रशिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आगे होना चाहता है, इसीलिए स्पुतनिक 5 नाम का वैक्सीन उसने बिना फेज 3 ट्रायल के जो है मार्केट में लाने की सोचा। स्पुतनिक 5 नाम का जो वैक्सीन रशिया का है वो बिना फेज 3 ट्रायल के मार्केट में लाने की सोचा। यहां तक कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बेटी को भी, अपनी डॉटर को भी जो है वो वैक्सीन दे दिया ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस बनाया जा सके। देखो अगर लाखों लोगों को ऐसा कोई वैक्सीन दे दिया जाता है जिसका पूरी तरीके से ट्रायल नहीं हुआ और बाद में कुछ इफेक्ट अगर सामने आएंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत भी हो सकती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इलेक्शन हो रहे उससे पहले जो है वैक्सीन मार्केट में लाना चाहते ताकि वो बता सके कि भाई देखो मैंने कितना बड़ा काम किया है। अब मुझे पूरा यकीन है कि आप समझ गए, ठीक है, पूरा बात को। सेकेंड टॉपिक जो है उसकी बात करेंगे। फोटो आप देख पा रहे हो मेरे दोस्तों, देखो जो दूसरा टॉपिक है वो है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। जी हाँ, P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम DRDO ने ये डेवलप किया है, P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। इसको हाल ही में इंडक्ट किया गया है, हाल ही में इंडियन मिलिट्री ने इंडक्ट किया है, ये ध्यान में रखना, इसीलिए न्यूज में है। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम DRDO ने इसको इनोवेट किया है, इन्वेंशन किया है इसका, और हाल में इंडियन मिलिट्री ने उसको इंडक्ट किया है, ये ध्यान में रखना। DRDO हैज डेवलप्ड P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम, देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगह पर जहां पर जंग छिड़ चुकी है वैसी जगह पर आपको बहुत सारे इक्विपमेंट भेजने पड़ते हैं, इक्विपमेंट जैसे कि व्हीकल, एमिनेशन और दूसरे हथियार आपको भेजने पड़ते हैं, अचानक से आपको भेजने पड़ते हैं, उस वक्त इस तरह का सिस्टम आपको जरूरी है। ये जो P7 है, P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, वो 7 टन का वजन उठा सकता है। ये पैराशूट से जो है यहां पर बांधा होगा, बांध दिया गया होगा, ठीक है। पैराशूट यहां पर आप देख पा रहे हो ना, 1 2 3 4 5, ये जो पैराशूट है उसके साथ 7 टन का इंस्ट्रूमेंट जो है अलग अलग किस्म के, उसको कहीं पर भी पैराड्रॉप किया जा सकता है, कहीं पर भी बाय एयर भेजा जा सकता है। और ये DRDO ने बनाया है और इंडियन मिलिट्री ने अभी इंडक्ट किया है, इसलिए ये न्यूज में है, ये ध्यान में रखना।
हेवी ड्रॉप सिस्टम जो है P7 जिसे कहते हैं, वो IL-76 एयरक्राफ्ट के द्वारा जो है उसको पैराड्रॉप किया जा सकता है। IL-76 एयरक्राफ्ट के द्वारा उसको पैराड्रॉप किया जा सकता है। 100% इंडिजीनियस कंटेंट से बना है, ये ध्यान में रखना, और हैज बीन इंडक्टेड इन द इंडियन आर्मी, ये भी ध्यान में रखना। 100% इंडिजीनियस, कहीं पर भी आर्म्स भेजना हो, एमिनेशन व्हीकल एक्सेट्रा 60 टन का इसके द्वारा भेजा जा सकता है। इसमें जो है वो नीचे मेटालिक स्ट्रक्चर होगा जो कि एल्यूमिनियम और स्टील एलोय से बना होगा, उसके साथ ये मेटालिक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो एल्यूमिनियम और स्टील एलोय से बना होगा, उसके साथ आप व्हीकल्स कनेक्ट कर सकते हो, कोई जीप कोई ट्रक कनेक्ट कर सकते हो, इक्विपमेंट आर्म्स एमिनेशन कनेक्ट करके बाय एयर उसको कहीं पर भी ड्रॉप किया जा सकता है। और DRDO ने इसका इन्वेंशन किया है और इंडियन आर्मी ने अभी इंडक्ट किया, इसलिए न्यूज में है, ध्यान में रखना। फाइव स्टार विलेज प्रोग्राम जो है, गुड इवनिंग शीतल, गुड इवनिंग। चलो आज का हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो है फाइव स्टार विलेज, और ये प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत आता है उसका प्रोग्राम है फाइव स्टार विलेज। क्या है, क्यों बनाया गया, ये सभी हम जानेंगे अभी, ठीक है। मेनली देखो भारत में बहुत सारे रूरल हिंटरलैंड है, ठीक है, रूरल हिंटरलैंड, वहां के लोगों को नहीं पता कि हमारा जो पोस्ट डिपार्टमेंट है, वहां के लोगों को नहीं पता कि हमारा जो पोस्ट डिपार्टमेंट है वो बहुत सारी स्कीम्स चलाता है, बहुत सारी स्कीम्स। रूरल एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता, उनको लगता है कि डाकिया सिर्फ डाक ही ला सकता है। आपने गाना सुना होगा, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, उनको वही लगता है कि पोस्ट डिपार्टमेंट एक ही काम करता है, वो डाक लाने का काम करता है। लेकिन बहुत सारे रूरल एरिया में लोगों को नहीं पता कि पोस्ट डिपार्टमेंट बहुत सारे काम करता है, इसीलिए ब्रिज द गैप इन पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस, और जो पोस्टल प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, उनको इंटीरियर विलेजेस तक पहुंचाने का काम करना है। फाइव स्टार विलेज प्रोग्राम के तहत क्या करना है, रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द पोस्टल सर्विसेज और इंटीरियर विलेजेस में पोस्टल प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुंचाना है। इसके तहत वन स्टॉप सेंटर खोला जाएगा, वन स्टॉप सेंटर, ये फाइव स्टार विलेज प्रोग्राम के तहत पोस्टल डिपार्टमेंट वन स्टॉप सेंटर खोलेगा। ब्रांच ऑफिसेज विल फंक्शन एज वन स्टॉप शॉप्स टू कैटर ऑल द रिलेटेड नीड्स ऑफ विलेजर्स। किस तरह की स्कीम को फाइव स्टार विलेजेस में कवर किया गया, सेविंग बैंक अकाउंट जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट देता है ये फैसिलिटी, उसको, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स को, ऊपर से केवीपी सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स, पीपीएफ अकाउंट, फंडेड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, ये सभी पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट्स जो है उन सभी को लिंक किया जाएगा फाइव स्टार विलेजेस के तहत। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, पायलट इंप्लीमेंटेशन कहां से शुरू होगा, महाराष्ट्र से, कहां से, महाराष्ट्र से, ये ध्यान में रखना है। और बाद में इसका एक्सपीरियंस देखकर उसमें से सारे के सारे फीडबैक लेकर पूरे नेशन में नेशन वाइड इंप्लीमेंटेशन होगा। फिर बता देते हैं फाइव स्टार विलेज प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने शुरू किया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत आता है, ये भी ध्यान में रखना। इसके तहत वन स्टॉप सेंटर्स बनाने की बात कही गई, जितनी भी पोस्टल सर्विसेज है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जाएगी। और जो है ये ध्यान में रखना है, जितना भी पोस्टल प्रोडक्ट्स है और सर्विसेज है उनको लोगों तक पहुंचाने का काम होगा, महाराष्ट्र से इंप्लीमेंट होना शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। और ये हमारा नया टॉपिक जो है देख लेते हैं, ठीक है, नया टॉपिक, जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में JKIGRAMS कहेंगे, आईग्राम्स, जेके आईग्राम्स कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, जेके आईग्राम्स कहेंगे, ध्यान में रखना। अब देखो ये जो है जेके आईग्राम्स, जिसका फुल फॉर्म जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसको अभी लॉन्च किया गया पायलट बेसिस पर फॉर जम्मू
श्रीनगर एंड रियासी डिस्ट्रिक्ट में। जी हाँ, कहाँ पर लॉन्च किया गया पायलट बेसिस पर इसको? जम्मू, श्रीनगर एंड रियासी डिस्ट्रिक्ट। ये क्या है? ये जो करंट सिस्टम है, करंट पोर्टल जो लॉन्च किया गया था 2018 में, उसको रिप्लेस करेगा। ये पहले एक पोर्टल है, जो जेके आई ग्राम्स है, वो पोर्टल है, जिसके द्वारा जो पब्लिक का ग्रीवंस है उसको रिड्रेस किया जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा। लोगों को कोई भी कंप्लेन हो गवर्नमेंट से, तो जेएनके में इसको सॉल्व करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया और उसको लॉन्च किया गया पायलट बेसिस पर। दिस इज द फर्स्ट यूटी, ये ध्यान में रखना, पहला यूनियन टेरिटरी है दैट विल बी लिंक्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम, ये ध्यान में रखना। देखो इसके तहत क्या होगा, ये एक पोर्टल है। अगर जेएनके का कोई सिटीजन है, उसको कोई ग्रीवेंसीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो इस पोर्टल के तहत जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएगा। जी हाँ, जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना मतलब क्या, तो ध्यान में रखना, जो डेप्यूटी कमिश्नर है, डेप्यूटी कमिश्नर, वो प्राइमरीली जो है वो कंप्लेन को रिसीव करेंगे, डिस्पोज करेंगे और ग्रीवेंसीज को मॉनिटर करेंगे। और सारे के सारे एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है और डीसी है, उन सभी को जो है हफ्ते में 5 दिन, 5 days a week जो है अवेलेबल रहना होगा उनकी ऑफिसेज में, ताकि उनकी ऑफिस में कोई भी जा पाए और उनको मिल पाए अपने ग्रीवेंसेस, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी कंप्लेन जो है इन ऑफिसर्स के साथ, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ, डिविजनल कमिश्नर्स के साथ जो है, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ जो है वो सॉल्व करवा पाए। याद रखना, यानी कि सारे ऑफिसर्स को हफ्ते में 5 दिन ऑफिसेस में बैठना है, ताकि लोग उनको मिलने आ पाए, अपनी प्रॉब्लम जो है बता पाए। अब यहां पर यह ध्यान में रखना है कि हाल ही में ये क्यों लॉन्च किया गया। देखो आर्टिकल 370 जो है, आर्टिकल 370 जो है उसको अब्रोगेट करने के बाद जो है, रिवोक करने के बाद जो है, वो जम्मू एंड कश्मीर में काफी लोगों के बीच में एलिनेशन आया है। लोग जो है अपने आप को इंडिया का मानते अभी नहीं है, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम है इंडियन स्टेट से। स्पेसिफिकली आर्टिकल 370 को रिवॉक करने के बाद ये प्रॉब्लम्स, ये एलिनेशन देखा गया है, डिसकनेक्शन देखा गया है, इसको दूर करने के लिए, ठीक है, इसको दूर करने के लिए जेके आईग्राम्स शुरू किया गया है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको बनाया है, जो मेटी के तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आता है, ये ध्यान में रखना। फिर से जेके आईग्राम्स पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम है, एक तरह का पोर्टल है। सारे के सारे जो डीसी है, एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको हफ्ते में 5 दिन वहां पर रहना है अपने ऑफिसेज में, ताकि उनको कोई भी मिलने आ पाए और अपना ग्रीवेंसेस सॉल्व करवा पाए, अपने जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर करवा पाए, ठीक है, ध्यान में रखना। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको डेवलप किया है, जो कि मेटी के तहत आता है। मेटी का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो आज के लिए संडे के रोज इतना ही, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है अमित अन एकेडमी, टेलीग्राम चैनल का नाम है अन एकेडमी _ अमित कटारिया। अगर आप मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, जो कि मैं मोस्ट प्रोबेबली 15 तारीख से, 15th of September से शुरू करूंगा पॉलिटी, मैं 15th of September से शुरू करूंगा, सुबह 11 बजे होगा मोस्ट प्रोबेबली ये क्लास, ध्यान में रखना, ठीक है। अगर पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।
एक बात मैं बता देता हूं, मनजोत सिंह जी यहाँ पर अनएकेडमी अंडरस्कोर अमित कटारिया पर आप अपने क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली आपको गाइड कर पाऊंगा उस ग्रुप में। आप अपने क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? इस ग्रुप में आप मुझे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं अनएकेडमी अंडरस्कोर अमित कटारिया पर, ये ध्यान में रखना। अनएकेडमी अंडरस्कोर अमित कटारिया पर आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दे पाऊंगा।